الفاتحة إلى حضرت روح النبي الكريم وآله الكرام وأصحابه العظام وأولياء ملته الفخام لا سيما سيدنا ومولانا وجدنا غوث الأنام على جده النبي وعليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شأن الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله العلي العظيم العليم الحكيم الذي هدانا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الذين قاموا بنصرة الدين القبيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. گرامی قدر مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب، عزیز القدر مولانا قاری سید جمال صاحب، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، اس دورے کا، اس سفر کا، اس وزٹ کا یہ آخری جمعہ ہے جو اس شاندار جامع مسجد میں ہم آپ کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. 11 تاریخ کو ایئر موریشس سے دہلی کے لیے میری واپسی ہے. آپ لوگوں کی محبت اور عنایت کا بہت بہت شکریہ. جو خلوص، جو عقیدت آپ لوگوں نے عطا کی، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے. جاتے جاتے زبان پر جو آیت کریمہ جاری ہوئی، اس کی روشنی میں کچھ عرض کرتا ہوں. اور ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، ان نبی، یہ غیب بتانے والے، ان نبی، یہ غیب بتانے والے. نبی مطلب ہے، معنی یہ ہے غیب بتانے والا. تو جب نبی غیب بتانے والا ہے تو غیب جاننے والا نہیں ہے، بغیر جانے بتائے گا.
तो अल्लाह ने जिसको नबी बनाया, अल्लाह ने जिसको नबी बनाया उसको गैबदा भी बनाया, गैब का जानने वाला भी बनाया, उसे गैब का इल्म भी अता किया। इसलिए कि नबी वही है जो गैब बताए, और गैब वही बताएगा जो गैब का इल्म रखे। अन्नबी, हर नबी गैब बताने वाला। हुजूर तो इमामुल अंबिया है, इमामुल मुरसलीन है। हर नबी की ये शान है कि वो गैब का अमीन है, गैब उसके पास अमानत है, और वो जिसे अहल समझते हैं बता देते हैं, जो ना अहल हैं वो गैब क्या जाने, और वो गैबदा नबी को भी क्या जाने है। सुभान अल्लाह। तो अन्नबी, बात हर नबी की नहीं है, अन्नबी की है। गौर फरमाइएगा, हर नबी गैब बताने वाला, हर नबी वाला, हर नबी का इल्म रखने वाला, मगर यहां जिक्र है अन्नबी का, यानी मखसूस नबी, महबूब नबी, मुस्तफा नबी, मुश्तबा नबी, मुर्तबा नबी, पसंदीदा नबी, मुंतखब नबी, रजा याफ्ता नबी, चुना हुआ नबी, सिलेक्टेड नबी, यानी मुमताज नबी। क्या? मुमताज नबी। तो अन्नबी का मतलब मुमताज नबी है। जानते हो इस मुमताज नबी की शान क्या है? अन्नबी औला, ताज नबी औला है। औला वेला से, औला वेला से, वेला के माने है मोहब्बत। वेला के माने क्या है? मोहब्बत। और वली के माने महबूब। सुबह वेला मोहब्बत, वली महबूब, औला बहुत ज्यादा महबूब, बहुत ज्यादा महबूब। ये सुपरलेटिव डिग्री, बहुत ज्यादा महबूब। अन्नबी औला, ये मुमताज नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महबूब है, ज्यादा महबूब हैं। बिल मोमिनी, मोमिनीन को, ईमान वालों को, ईमान वालों को, मोमिनों को, मानने वालों को, मान जाने वालों को, औला ज्यादा महबूब। ये मुमताज नबी मोमिनों को ज्यादा महबूब हैं। और यही बात खत्म नहीं, आगे अल्लाह फरमाता है मिन अनफुसिहिम, अपनी जानों से भी ज्यादा। अब पता चला कि ये महबूबो मुमताज नबी मोमिनों को अपनी जानों से ज्यादा महबूब, जान महबूब के कदमों में कुर्बान, अपनी अपनी जान महबूब के कदमों में कुर्बान। नबी औला, ये मुमताज नबी ज्यादा महबूब हैं
मोमिनों को अपनी जानों से, जान से मोहब्बत है, जान से मोहब्बत है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, जान से भी ज्यादा महबूब हैं। तो ये भी पता चल गया कि मोमिन कौन, इसी आयत से ये भी मालूम हो गया कि मोमिन कौन। मोमिन वो है जो अपनी जानों से भी ज्यादा अल्लाह के नबी को महबूब रखे, है ना। नबी फरमा रहा है, वो मोमिनों की भी पहचान बना दी, बता दी कि असल में मोमिन कौन है, असल में ईमान वाले कौन है, जो मेरे महबूब को अपनी जानों से ज्यादा प्यार करें, महबूब रखें। वक्त कम रहता है, इस वक्त मजामीन बहुत आ रहे हैं, मुख्तसरन अर्ज करता हूं। तो एक तो वेला के माने हुब है, मोहब्बत है, और औला के माने ज्यादा महबूब, और वेला कुर्बत को भी कहते हैं, कुर्बत करीब होना। तो वली के माने करीब, वेला कुर्बत, वली करीब, औला बहुत ज्यादा करीब, बहुत ज्यादा करीब। अल्लाह का ये मुमकिन मोमिनों से बहुत ज्यादा करीब, कितना करीब, कितना करीब है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जान आपसे कितनी करीब है, बताइए। आप जान वाले हैं, जिंदगी वाले हैं, रूह वाले हैं, आपकी रूह आपसे कितनी करीब है, है? बता सकते हैं आप? जब आप यही नहीं बता सकते कि आपकी रूह आपसे कितनी करीब है, तो आप कैसे बताएंगे कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोमिनों से कितने करीब, जो मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब हो, मोमिनों से उसकी कुर्बत का अंदाजा कर सकता है। इसीलिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जलवा हर जगह नजर आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा हर जगह नजर आता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने में भी जलवा कर रहे हैं, मक्का मुकर्रमा में भी जलवा कर रहे हैं, और बगदाद शरीफ में भी जलवा कर रहे हैं, अजमेर शरीफ में भी जलवा कर रहे हैं, किशोचा शरीफ में भी जलवा, बरेली शरीफ में भी जलवा कर रहे हैं, और हद ये है कि मॉरिशस में भी जलवा कर रहे हैं। यहां भी उनके जलवे नजर आ रहे हैं। उनके जलवे न होते तो ये नूरानियत कहां होती, ये हिदायत कहां होती, ये रहनुमाई कहां होती, ये सिराते मुस्तकीम हमें कहां से नजर आता और कैसे मिलता, हम इस पे कैसे चलते। तो मालूम हुआ कि हुजूर मोमिनों की जानों से भी करीब तर, अब हुजूर से ज्यादा कोई करीब नहीं, हुजूर से ज्यादा कोई करीब नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा में बयान फरमा रहा है। वक्त बहुत कम है, नहीं औज को अज करता, बेहतर समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मेरा महबूब मुमताज नबी मोमिनों की जानों से भी करीब है, ज्यादा करीब है। मशहूर हदीस में आया है, एक बार हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने कहा करीब आओ, यानी मैं तो तुम्हारे करीब हूं ही, तुम और करीब आओ। सुभान अल्लाह, तो तुम्हारे आगे बढ़े,
कहा है उमर बताओ, मुझको बहुत चाहते हो, मुझसे बहुत मोहब्बत है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे बेपनाह मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत। कहा मालो जायदाद से भी ज्यादा मोहब्बत, वेल्थ प्रॉपर्टी से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हो। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बेझिझक बिला तामुल बोल उठे, हां हां, अपनी दौलत जायदाद प्रॉपर्टी से भी हम आपको ज्यादा चाहते हैं, बल्कि सारी दौलत और जायदाद आपके कदमों पर कुर्बान। कहा माशाल्लाह उमर, माशाल्लाह। कहा ए उमर एक बात और बताओ। कहा हुजूर, क्या अपनी औलाद से भी ज्यादा मुझे चाहते हो? कहा हां हुजूर, औलाद भी आपके कदमों पर कुर्बान, औलाद से भी ज्यादा हम आपको चाहते हैं। हाँ माशाल्लाह, माशाल्लाह। उमर, मगर आखिरी सवाल, क्या अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हो? हाँ। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु खामोश हो गए। इख्तियार किया चुप रहे, कुछ न बोले। हुजूर ने फरमाया, ए उमर, इसका मतलब यह है कि तुम अपनी दौलत से तो मुझे ज्यादा चाहते हो, अपनी औलाद से तो ज्यादा चाहते हो, मगर जान ज्यादा प्यारी है, जान ज्यादा अजीज है, अपने को ज्यादा चाहते हो हमसे भी ज्यादा। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर की बारगाह में कि या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा नहीं है, मगर दौलत के बारे में हम बहुत पहले फैसला कर चुके कि आप पे कुर्बान, आप ज्यादा अजीज। औलाद के बारे में हम बहुत पहले फैसला कर चुके कि आप पे कुर्बान, आप ज्यादा अजीज हैं, मगर हुजूर जान के बारे में नहीं हुआ था, सोचा भी नहीं था, कभी दिल में ये खतरा भी नहीं गुजरा कि हुजूर जान से भी ज्यादा प्यारे हैं कि नहीं। तो हुजूर अभी फैसले की मंजिल में नहीं आए, मगर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मगर उमर तुम्हें अभी अभी फैसला करना है, यू हैव टू टेक डिसीजन एट वंस, अभी अभी तुम्हें फैसला करना है कि अपनी जान ज्यादा प्यारी है या मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज्यादा महबूब हैं। तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु बेचैन और बेकरार हो गए, आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने इरशाद फरमाया है, उमर रोने की जरूरत नहीं, बेचैन और बेकरार होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि तुम्हारा रसूल मजबूर रसूल नहीं है, मुख्तार रसूल, साहिबे इख्तियार रसूल है, अथॉरिटी वाला रसूल है, इख्तियार वाला रसूल है, इख्तदार वाला रसूल है, पावर रखने वाला रसूल, स्ट्रेंथ रखता है, एनर्जी रखता है। सुभान अल्लाह, आपने अपने मुकद्दस हाथ को उठाया, कहा है उमर करीब आओ, उमर और करीब आए। आपने अपना मुबारक हाथ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पे मल लिया, सीने पे मलना था के हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु पुकार उठे, वल्लजी बासक बिल हक, कसम है जिसने को हक के साथ भेजा है, अब तो आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए। देखा, तो ये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ का करिश्मा था,
ये कलबे उमर पर हाथ आपने मल दिया। हजरत उमर का कल्ब दिल और चमक गया और महसूस किया कि अब हमारे दिल में अपने जान से भी ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो गई। इस वक्त हुजूर ने फरमाया और ताकीद कर दी और कंफर्मेशन, फरमाते अल आन या उमर, ए उमर अब मोमिन हुए। बगैर मोहब्बत रसूल के जब उमर जैसा सहाबी मोमिन नहीं हो सकता तो बगैर रसूल के वहाबी कैसे मोमिन हो सकता है? तुम खुद सोचो सा, मैं क्या कहूं, सहाबी तो सहाबी है मगर सहाबी से कहा जा रहा है और उमर फारूक आजम जैसे सहाबी से कि शैतान भी जिससे थर्राता है, शैतान भी जिससे भागता है, शैतान भी जिससे डरता है। हुजूर फरमाते हैं कि उमर अब तुम मोमिने कामिल हुए, अब तुम मोमिने कामिल हुए हो। अल्लाहु अकबर, सोचो कितना बड़ा लेसन है, कितना बड़ा सबक है हमारे लिए तुम्हारे लिए कि हमें और आपको हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। कितनी मोहब्बत, जितनी भी मोहब्बत करो वो कम, जितनी भी ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो तो कम है। मोहब्बत कुछ है, उनकी मोहब्बत में दीन है, उनकी मोहब्बत में इस्लाम है, उनकी मोहब्बत में शरीयत है, उनकी मोहब्बत में कुरान है और उनकी मोहब्बत में रहमान है। उनकी मोहब्बत में रहमान है कि बगैर उनकी मोहब्बत के खुदा को भी तुम नहीं पा सकते हो जी। तो अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसहिम, मेरा ये मुमताज नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब। इतनी बात हो गई, अब फिर कभी इंशाल्लाह तफसील में जाएंगे। थोड़ा सा आगे चलिए, आगे अल्लाह फरमाता है वह अजवा जो हूं उम्महा तो हूं, अकीदे की बात है इसलिए अर्ज कर रहा हूं जाते जाते। वह अजवा जो हूं उम्महा तो हूं, और मेरे महबूब मुमताज नबी की जो बीवियां हैं, जो उनकी जोजात हैं, जो उनकी वाइफ्स हैं, वो उम्महातुहुम, वो मोमिनों की मां है। देखो ये अल्लाह फरमा रहा है, कलीम की बात नहीं है, कलाम की बात है, है? और हुजूर की बीवियां मोमिनीन की मां हैं, तो मालूम हुआ कि हुजूर की बीवियां हजरत खदीजतुल कुबरा हों कि हजरत आयशा सिद्दीका हों या और रदी अल्लाह अन्हुन्ना अजमईन, इन सब को मोमिनों की मां का दर्जा है। की वजह से मोमिनों, किसकी वजह से? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जौजा होने की वजह से, बीवी होने की वजह से। ये अजीब बात है साहब, इनकी बीवी का तो दर्जा ही होगी वो मां, और सब उम्मुल मोमिनीन कहते हैं। ये कैसे दीवाने आजकल पैदा हो गए हैं जो रसूल को भाई कह रहे हैं? अजीब बात है, बीवी तो मां हो और उसी बीवी का शोहर भाई, माज अल्लाह, ये कैसा रिश्ता है भाई? इन क्या होता है, उन्हें क्या होता होगा? अरे भाई, अगर इसी एक रिश्ते को दे दो, देखो जो खुदा ने बयान किया, अल्लाह ने अपने कलाम में बयान किया है कि रसूल की बीवियां मां हैं, तो रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाप हुए। साफ बात है ना, बोलो मां का शौहर क्या होता है? बाप हुआ ना,
तो अगर रसूल से रिश्ते ही जोड़ना है तो बाप कहो। अगर रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, इस मुमताज नबी से अगर रिलेशनशिप कायम करनी है, रिश्ता नाता ही जोड़ना है तो बाप कहो। तो तुम चले हुजूर को बाप कहने, कि अल्लाह ने डांट दिया, खबरदार मां का ना मोहम्मद अबा आदिम में बेजाल, खबरदार मेरे मुमताज नबी तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। महबूब को बाप न कहना, जरा देखो, जो अल्लाह अपने महबूब को बाप कहने की इजाजत नहीं देता, भाई कहने की परमिशन देगा। अब तुम ही फैसला कर लो, जो बाप कहने की इजाजत नहीं देता वो भाई कहने की इजाजत देगा? अरे सब मोमिनों को छोड़ दो, सब आदमियों से कतई नजर करो, सारे आदमियों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है ना, क्यों सारे आदमियों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हुजूर को याद करते थे तो क्या कहते थे बता दूं, या इबनी सूरतन व अभिमानन, ए जाहिर में मेरे बेटे हकीकत में मेरे बाप, ए जाहिर में मेरे बेटे हकीकत में मेरे बाप। अरे सोचो, जो सारे बापों का बाप, जो सारे बापों का बाप, और वो हुजूर को कहे बाप, और तुम कह रहे हो भाई, बाप रे बाप, क्या अजीब, बाप के बाप, 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 सांस टूट जाए कहो बाप रे बाप। कितने बाप हैं बीच में हजरत आदम तक, और हजरत आदम अली सलाम उन्हें पुकारते हैं तो बेटा नहीं कहते, बाप कहते हैं। अरे जो सारे आदम, जो हजरत आदम अली सलाम का बाप हो, वो आदमियों का दादा हुआ सीधे सीधे, शॉर्ट कट भी लो तो क्या हुआ, दा तो न बाप कहो न दादा कहो, कोई रिश्ता ना लो, अगर लो तो क्या रिश्ता, वला के रसूल अल्लाह, अगर कहो तो या रसूल अल्लाह कहो, क्या बात, अगर कहो तो या रसूल अल्लाह कहो, वह खात अमन नबी जीन, और कहो तो या खात अमन नबी जीन कहो, मेरे महबूब की ये शान है, मेरे महबूब की ये शान है। खुदा की कसम, अजवाजे ताहिरात का बहुत बड़ा मकाम है, मगर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, जान से ज्यादा मोहब्बत, कुर्बत, और सारे मोमिनीन आए हैं, तो हुजूर की हयात का भी सबूत, हुजूर की जिंदगी का भी, हयात का सबूत, जब बीवियों का तज़किरा आया है उम्मातुल मोमिनीन का, तो ये भी सुन लो के शौहर के इंतकाल के बाद, बेवा इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से शादी कर सकती है। जानते हो ना ये मसला, किसी औरत या तो फिर जवान औरत हो, उसके शौहर का इंतकाल हो जाए तो इद्दत गुजारने के बाद वो दूसरे से शादी कर सकती है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीवी दूसरे से शादी नहीं कर सकती। क्यों? कि हुजूर को मुर्दा ना तसव्वुर करना, वो अब भी जिंदा हैं, वो अब भी तुम्हारे शोहर हैं, कोई दूसरा तुम्हारा शोहर नहीं। अब इससे बड़ी बात क्या, अन्नबी मिन अन्फुसहिम अज़वाजुहू उम्महातुहुम, अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको अपने महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने, उनके कदम नाज में रहने, उनकी इत्तबा करने
उनकी पैरवी करने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।